विचार कीजिए। हम लोगों ने उस सूत्र को समझा नहीं है। प्रेम कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं, प्रेम तो कोई दिखावे की चीज नहीं, प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं। प्रेम जो है बार बार कहने की, आई लव यू आई लव यू आई लव, यह कहने की वस्तु नहीं, वो तो महसूस कर, वो तो दर्शन की वस्तु है। इट्स अ फिलॉसफी। लव कोई, प्रेम जो है वो बताया नहीं जाता, जिससे होता है वह छोटा सा पशु भी, वो कुत्ता भी अगर आपसे प्रेम करता है तो उसका प्रेम आपको दिख जाएगा। तो प्रेम कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम दर्शन की वस्तु है, आत्मदर्शन की वस्तु है। और कहीं ये प्रेम, जरा विचार कीजिए, कहीं ये प्रेम ईश्वर के प्रति हो जाए, अपने इष्ट के प्रति हो जाए, अपने कांत के प्रति हो जाए, अपने प्रभु के प्रति हो जाए, अपने हमारे बाबा के प्रति अगर ये प्रेम हो जाए, साफ सब नौछावर, सब नौछावर। प्रेम कोई साधारण शब्द नहीं है। प्रेम और ब्रह्म, प्रेम और ब्रह्म की अगर हम लोग चर्चा करें, प्रेम का वास्तविक लक्ष्य ही ब्रह्म है। देखिए प्रेम में कई, प्रेम में भी ढाई अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? ढाई। और ब्रह्म में भी ढाई अक्षर है। जरा विचार कीजिए, प्रेम में और ब्रह्म में दोनों के अक्षर ढाई ढाई बराबर, दोनों की समानता बराबर। प्रेम अगर आप संसार से करेंगे तो वहां पर आपको प्रेम का कोई पलट करके आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्रेम संसार से करने की वस्तु ही नहीं है। और अगर आप प्रेम करते भी हैं संसार से तो निश्चित मानिए, अगर आप प्रेम करते भी हैं संसार से, ये प्रश्न गोपियों ने बड़ा सुंदर रास पंचाध्याय के अंतर्गत में प्रेम की व्याख्या गोपियों ने बड़ी सुंदर भगवान श्री कृष्ण से कही, जब भगवान कृष्ण अदृश्य होकर के पुनः जो है दृश्यमान हुए, गोपियों के समक्ष आए हैं, तो गोपियों ने प्रेम की जो है परिभाषा पूछी है। प्रेम की परिभाषा क्या है? ये प्रेम कैसे कैसे लोगों से किया जाता है, जरा बता। भगवान कृष्ण ने उसका बड़ा सुंदर वृत्तांत दिया है कि प्रेम करने के कौन कौन व्यक्ति जो है इसके योग्य हैं, हम संसार में किन किन लोगों से प्रेम करते हैं, और वो प्रेम कैसा कैसा होता है, वह भी स्पष्ट है। वो बात अलग है कि हमने कभी उसको जाना नहीं, वो बात अलग है, कभी हमने उसको समझा नहीं। मीरा क्या कहती है, विचार कीजिए, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो मरम न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो मरम न जाने को। जरा विचार कीजिए, मरम नहीं जानता कोई। अब मरम तो वही जानेगा कौन, कि घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, और जो सोई घायल होए सखीरी, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो मरम न जाने को, मेरा मर्म कोई नहीं जानता है। प्रेम केवल एक ऐसी वस्तु नहीं है साहब कि जिसको आप कहीं पढ़ना चाहें, प्रेम पढ़ने की वस्तु नहीं, ज्ञान है, ज्ञान आप पढ़िए ज्ञान लीजिए, लेकिन प्रेम अनुभव की वस्तु है। और प्रेम का अनुभव आप ये कहते रहिए साहब हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते ना, वो अपने आप वस्तुतः अपने आप जो है प्रेम जो है वो अपने आप महसूस करा देगा अपने आप। कईयों बार व्यक्ति जो जो सशंकित होता है वो प्रेम नहीं कर सकता, जो सशंकित होता,
जो शंकाग्रस्त है, जो शंकालु है, जो सशंकित है, वो ना तो कभी प्रेम कर सकता है और ना कभी प्रेम का दर्शन देख सकता है, ना कर सकता है ना देख सकता है। शंका बनी रहेगी जीवन में और शंकालु व्यक्ति संशय आत्मा विनश्यति। प्रेम के प्रति तो साहब केवल और केवल समर्पणता होनी चाहिए। यह गोपियों ने किया है कि प्रेम के भगवान छोड़ करके भी चले गए, लेकिन गोपियों ने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा। भगवान छोड़ के चले गए लेकिन कभी गोपियों ने कृष्ण को नहीं छोड़ा। प्रेम के गाभिरदाओ क्षण मार्जना, एक क्षण भी भगवान से विमुख नहीं होती है गोपियां। मन में रोष नहीं है कि तुमने हमें क्यों छोड़ दिया, मन में यह भी भाव नहीं है कि वो हमें छोड़ गया तो हम भी छोड़ देना। उसने जो किया वो उसका काम, हमारा जो काम है हम करें। हमारा काम क्या है? प्रेम के गाभिरदाओ क्षण मार्जना, एक क्षण भी। हमारा कार्य हमारे हाथ में, हमारी सत्ता क्या है, हमारे हाथ में क्या चीज है, हम किस सत्ता को पकड़ करके रख सकते हैं? बोले एक क्षण भी हम उससे विमुख नहीं होंगे। सूरदास जी महाराज ने कहा ना, जरा विचार कीजिए, बा छोड़ाए जात होने बल जान के मोह की, बाह छोड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय में से जाओगे तो मर्द कहूंगा तो मर्द कहूंगा साहब, अगर मर्द है तू मेरे हृदय में से निकल कर। ये है प्रेम। प्रेम में भगवान को कह दे तू मर्द नहीं है, तू अगर मेरे हृदय में से निकल करके जाए तो मैं मानू कि मर्द है। सूरदास जी महाराज, प्रेम के क्षण मार, एक क्षण भी हम उससे विमुख नहीं होते, एक क्षण भी। अगर हम उससे प्रेम कोई अच्छा, हम प्रेम संसार में ढूंढिए, हम प्रेम किससे करते हैं ढूंढिए। वर्तमान समय में, वर्तमान सत्ता में व्यक्ति प्रेम अपने मोबाइल से करता है। किससे करता है? मोबाइल से। ओहो, जरा ना मानिए तो आप करके देखिए।